मोहम्मद यूनुस 5 वार्ड नंबर 10 आजमाबाद। आज जो 25 RR की जानिब से यहाँ पर वेटनरी कैंप एक लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक मंडी के मुख्तलिफ इलाकाजात से जो है लोग अपने माल मवेशी को लेकर यहाँ आए हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बैठी है जो उनका माकूल जो है चेकअप कर रही है, उसके बाद जो है दवाइयाँ दी जा रही हैं उन लोगों को, उनके मवेशियों को। तो जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज होने की जानिब से जो है माल मवेशी लोगों के जो हैं बीमार पड़ गए हैं, दूध में कमी आई है। हम 25 RR का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये कैंप लगाया है और लोगों को जो है उनके मवेशियों को अद्वियात फराहम की जा रही हैं, और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि आगे भी जो है ऐसे कैंप और मुख्तलिफ पंचायत में लगाए जाएँ ताकि लोगों को जो है इसका फ़ायदा हासिल हो। सर, ये आजमाबाद मुगलधाम में ये कैंप आज वेटनरी कैंप लगवाया गया आर्मी की तरफ से, तो यहाँ लोग माल मवेशी लेकर आए हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी वगैरह तमाम मवेशियों को यहाँ पे लाया गया है। तो आज मौसम की वजह से भी, ये मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी लोगों का माल मवेशी बीमार है, और इस कैंप का लगाना यहाँ ज़रूरी था। तो यहाँ अच्छी दवाई दे रहे हैं, आर्मी के डॉक्टर भी हैं, सिविल डॉक्टर भी हैं, तो अच्छी तरह से चेकअप किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि माल मवेशी की देखभाल कैसे की जाती है, अगर ये दूध कम हो जाता है गाय या भैंस को तो उसको कौन सी दवाई दी जाती है, कौन सी फीड दी जाती है, और बहुत अच्छी तरह से ये चेक कर रहे हैं हम ज़िला इंतज़ामिया के और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के और यहाँ आर्मी के, शुक्रगुजार हैं।